हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा जोशी फ्रॉम रोड टू वेब डॉट इन। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सीएसएस फ्लोट। सीएसएस फ्लोट की तीन प्रॉपर्टी है, लेफ्ट, राइट और नन। नन इज बाय डिफॉल्ट है, दो ना दो एक ही है। लेफ्ट और राइट में क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दो डिवीजन लिया है, वन एंड टू। तो जैसे ही मैं एक डिवीजन लूंगी तो उसके नेक्स्ट नीचे आ जाएगा सेकेंड डिवीजन, सो वो लेफ्ट में नहीं आएगा। तो उसके लिए फ्लोट प्रॉपर्टी यूज होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डिवीजन वन को दे दी फ्लोट प्रॉपर्टी लेफ्ट और डिवीजन टू को दे दी फ्लोट प्रॉपर्टी राइट। तो उससे क्या होगा, ये जो राइट का स्पेस है वो कवर हो जाएगा। इसे प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक डिवीजन लिया है जो ब्लू कलर का है, और उसके बाद नीचे मैंने सेकेंड डिवीजन लिया है वो रेड कलर का है। सो यहाँ पे देखोगे आप राइट साइड में बहुत सारी स्पेस है, ये स्पेस को कवर करेंगे हम फ्लोट प्रॉपर्टी से। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन को कुछ नहीं दिया, जस्ट एक बॉर्डर दिया है, बैकग्राउंड कलर दिया है, पैडिंग विद और फोन साइज दिया है। वैसे ही मैंने इसे भी सेकेंड डिवीजन को विद 500 दी है और यहाँ पे 200 विद दी है। तो अभी मैं फर्स्ट डिवीजन को जो फ्लोट प्रॉपर्टी है वो लेफ्ट देती हूँ, और यहाँ पे सेकेंड डिवीजन को मैं फ्लोट प्रॉपर्टी है वो राइट देती हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगी ये जो सेकेंड जो है डिवीजन वो राइट में आ गया है। तो फ्लोट प्रॉपर्टी क्या करेगा, फ्लोट करेगा लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। अभी मैं चाहती हूँ यहाँ पे स्पेस है, तो ये स्पेस देख रहे हो आप, इसे भी हटाना है। मुझे चाहिए कि ये डिवीजन है इसको कनेक्टेड रहे, तो मैं यहाँ पे फ्लोट प्रॉपर्टी राइट के बदले यहाँ पे मैं लेफ्ट दूंगी। तो आप देखोगे ये देखिए, तो मैंने फर्स्ट ब्लू बॉक्स को जो है लेफ्ट दिया था तो वो लेफ्ट में है, और सेकंड जो रहेगा वो उसके बाद आएगा। अगर मैं यहाँ पे थर्ड ऑल लूंगी तो उसको भी लेफ्ट प्रॉपर्टी दूंगी, तो वो इसके बाद कंटिन्यू होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और डिवीजन ले लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं पोजीशन टू करके लेती हूँ और उनको सेम सीएसएस की स्टाइल देती हूँ, सिर्फ उसकी विद में 100 रख देती हूँ, थोड़ा कम छोटा वाला। अभी इसे रिफ्रेश करूंगी, और इसका नाम भी, सॉरी, इसका क्लास का नाम भी चेंज करना होगा मुझे। सेम क्लास, एक ही क्लास दोनों को हो गया। ओके सो आप देखोगे ये जो पोजीशन टू जो मैंने 100 पिक्सल विद ली थी, तो ये भी लेफ्ट में आ रहा है। अभी इसे मैं लेफ्ट में दूंगी, तो ये थर्ड डिवीजन है इसीलिए ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड साइड में आएगा। अभी इसे मैं राइट प्रॉपर्टी देती हूँ, यहाँ पे फ्लोट राइट देती हूँ। तो ये देखिए राइट साइड में हो गया। सो ये काम आती है फ्लोट प्रॉपर्टी लेफ्ट और राइट करने में। सो ये थी फ्लोट प्रॉपर्टी। इसके बाद एक और फ्लोट की प्रॉपर्टी है क्लियर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे आप नीचे यूट्यूब सेक्शन, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं सॉल्व करूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।